26 अप्रैल 2024 आज पूर्णिया समेत इस इलाके के 5 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रारंभ हो चुका है। पूर्णिया में जो विवेकानंद कॉलोनी है उस बूथ पर अभी हम मौजूद हैं और यहां का नज़ारा आपको हम दिखाना चाह रहे हैं। मैं बता दूं कि हमारे आज के इस कवरेज के स्पॉन्सर हैं प्रकाश टोयोटा के हाई राइडर गाड़ी, जो काफ़ी किफ़ायती भी है और अच्छी माइलेज देती है, बैटरी और फ्यूल दोनों से चलती है। आइए आज आपको हम यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं कि किस तरह का नज़ारा है और लोग किस तरह से कतारबद्ध होकर के जो मतदाता हैं वो वोटिंग कर रहे हैं। ये किस तरह का मंजर है, किस तरह का नज़ारा है, उसको आप देख लीजिए। मतदाता सुबह से ही कतार में लग करके वोटिंग करने में लगे हुए हैं और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो किस तरह की है, कैसी है और प्रशासन ने तैयारियां कैसी की हैं इस मतदान को शांतिपूर्ण माहौल में, सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए। ये नज़ारा आप देख लीजिए, विवेकानंद कॉलोनी बूथ का है। ये अंदर का नज़ारा था, ये बाहर में आप देख रहे हैं किस तरह से जो मतदाता हैं वो कतारबद्ध हैं सुबह से ही और मतदान कर रहे हैं और प्रशासन अपने काम में लगा हुआ है। लोग मतदान कर रहे हैं और मतदान करने वाले लाइन में हैं, कुछ करके बाहर निकल रहे हैं, तो ये स्थिति बनी हुई है। आप लोग इसी आसपास के रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका? महेंद्र पंडित। महेंद्र पंडित जी, क्या लग रहा है इस बार का जो मतदान का है माहौल कैसा है? ठीक है, ठीक है, शांतिपूर्ण माहौल में हो रहा है जी। सुबह से आप लोग लगे हुए हैं? हाँ, एक घंटा से लगे हुए हैं। एक घंटा से लगे हुए हैं, तो किस गति से हो रही है मतदान? इस पर तो थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन 97 पर ठीक चल रहा है। उस पर ठीक चल रहा है, इसमें थोड़ा ज़्यादा आदमी भी है इस बूथ पर। इस पर आदमी भी ज़्यादा है। अच्छा, तो थोड़ा सा इंतज़ार तो करना पड़ेगा, मतदान करना है। क्या कहेंगे आप? लाइन में सर, हाँ ठीक ठाक सर, लाइन में खड़े हैं सर। अच्छा, थोड़ा तेजी में कमी आ रही है? हाँ, इधर का स्पीड थोड़ा कम है सर। अच्छा, तो आप लोग चाह रहे हैं थोड़ा जल्दी से हो जाए, क्योंकि धूप बढ़ेगा तो फिर दिक्कत होगी। दिक्कत होगी सर, लोग बोला कि शमियाना लगाते हैं, लगा शमियाना देना चाहिए सर वहाँ से वहाँ तक। अच्छा, लंबा जगह चाहिए। लंबा चाहिए, आप देखिए अभी देखिए धूप झरक इतना लग रहा है सर, जो कि आदमी पूरा देना है धूप में। अच्छा, अभी तो दिया नहीं, पूरा देना, पूरा इस जितना चुनाव क्षेत्र में जहाँ तक धूप पड़ता है वहाँ पर तिरपाल देना चाहिए। ये तो न्यूज में भी आता था, पेपर पेपर में भी आते रहता है। तो अभी जितना छोटा दिया है तो अभी तो 12 बजेगा तो फिर तो यहाँ तो खड़ा नहीं हो पाएंगे, कितना धूप होगा आप लोग समझ सकते हैं, कितना धूप है, कितना गर्मी है, कितना गर्मी में लोग खड़ा नहीं रह पाएगा। अभी सुबह सुबह है तो लोग वोट डाल लेगा, यही आप लोग का कहना है क्या? सेड यहाँ से होना चाहिए था जी जी, 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 जी। सुविधा होना चाहिए, सुविधा होना चाहिए था। अब पानी का भी सुविधा होना चाहिए था, पानी वगैरह का व्यवस्था नहीं? कहाँ है व्यवस्था, देख रहे हैं आप भी यहाँ पे, देखिए कहीं है व्यवस्था नहीं हुआ है। महिला लोग तो अभी मान लीजिए बगल में घर है, आप लोग अभी आए हैं तो चलिए ठीक है, लेकिन जब 12 बजेगा 1 बजेगा तो धूप जब कड़ी हो जाएगी उस समय ज्यादा परेशानी होगा, मुश्किल होगा यहाँ सेट बनना। तो इसका प्रभाव वोटिंग पे पड़ेगा? पड़ेगा ही, स्लो हो जाएगा, लोग आएगा ही नहीं अभी तो। सरकार चुनाव आयोग प्रशासन अपील कर रहा है कि मतदाता को जो मतदान प्रतिशत है उसको बढ़ाना चाहिए, अपने मतदान का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन उस अनुकूल जो व्यवस्था होनी चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए, व्यवस्था ही नहीं है। तो लोग मतदान करने के लिए उत्साहित है लेकिन व्यवस्था नहीं है। अब बहुत ज्यादा गर्मी भी है, गर्मी अभी सुबह में तो थोड़ा झेल लेगा, लेकिन 12 बजे के बाद दिक्कत होगा। 5 बजे तक तो बहुत, 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक तो धूपे रहता है, तब क्या यहाँ है कुछ, उसमें दिक्कत होगी, तो दिक्कत होगी कि बहुत दिक्कत होगी क्या? युवा बताओ, दिक्कत होगी, व्यवस्था ठीक ठाक है?
व्यवस्था तो ठीक नहीं है यहाँ पे, ऊपर होना चाहिए कुछ पर्दा उर्दा होना चाहिए। अच्छा, क्या अभी तो लगना चाहिए? हाँ, अभी तो सुबह का समय तो धूप नहीं है, फिर आपको 10 बजे के बाद तो भयंकर धूप हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से सूरज उगा हुआ है, जो माहौल लग रहा है कि धूप होगा ही होगा। हाँ, धूप तो होगा ही है, भयंकर धूप होगा, भयंकर धूप होगा। चलिए, अच्छा ये बताइए कि कैसा माहौल जा रहा है इधर? ठीक जा रहा है, 400 पार, 400 पार ठीक जा रहा है। ठीक है सब कुछ? ठीक है सब कुछ सर, ठीक है। बस यही दिक्कत है कि लेडीज का अलग कतार होना चाहिए था, और यहाँ पर जो है सो पंडाल का 12 बजे के बाद बहुत भयंकर धूप हो जाती है, उसमें बहुत परेशान हो जाएंगे वोटर्स, उसमें वोटर परेशान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। थोड़ा सा जो तिरपाल है उसके, उसका जो दूरी है उसको बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए था सर। खाली गेट पर थोड़ा सा गेट पर दे दिया सर। चलिए, ये देख रहे हैं इस बूथ का मंजर है, और लोगों की शिकायत ये है कि जिस तरह का अभी समय है और जिस तरह का माहौल है, अब धूप धीरे धीरे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से लोगों की परेशानियां भी बढ़ेंगी। तिरपाल देना था लंबी दूरी तक, लेकिन नहीं दिया गया है। महिलाओं का जो कतार होना चाहिए था, वो कहा जा रहा है कि अलग होना चाहिए था, एक ही में लगा दिया गया है, तो वो भी एक परेशानी का सबब है। तो प्रशासन ने इन चीज़ों को गंभीरता से नहीं लिया है, जिसके कारण इन लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है, और हो सकता है कि इसका असर वोटिंग पर भी पड़े। जब धूप कड़ी हो जाएगी तो लोग खड़ा बाहर में नहीं रह पाएंगे, तो लोग फिर इंतज़ार करेंगे कि जब थोड़ा शाम हो तो उस वक्त का इंतज़ार करेंगे। तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव जो है, जो बीच में गैपिंग होगा, उसका प्रभाव वोटिंग पर पड़ सकता है। तो सियालों के लिए सुमित के साथ में संजय कुमार। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है, अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फर्शियन यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त, जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला, थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया।